हेलो फ्रेंड्स, ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने कल वाला ब्लॉग ख़त्म किया था उसी समय से शुरू कर दी है। अभी ये डाइनिंग पर मैंने कुछ जो सज्जे पे हमारे एक्स्ट्रा सामान रखे थे वो पूरे बाहर जाके घिस लिए और अच्छे से धो लिए। अभी ये मैं डाइनिंग पर पूरे सामान रखूँगी और ये फैन से सूख जाएंगे। फिर तब तक ये किचन की कलरिंग शुरू है वो हो जाएंगी कल तक। ये रात भर मैं ऐसे ही रखूँगी, आज दिन भर रात भर, और कल सज्जे पर रख दूँगी। अभी मैं बाहर से एक एक सामान निकाल रही हूँ और इधर डाइनिंग पर ला रही हूँ, क्योंकि अब सब तरफ घर में सामान ही सामान पड़ा है तो ऐसा लगा ये धोए हुए बर्तन कहाँ पे रखूँ। तो डाइनिंग ही एक अच्छी जगह है जहाँ पर धूल मिट्टी भी नहीं जाती और अलग से रहते हैं। पर ये डाइनिंग हमारा कांच का है, ये फूट न जाए इसलिए हम हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर ऐसे बर्तन रख रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा हुलिया देखो आज कितना बुरा दिख रहा है, एक बाल भी नहीं बनाए क्योंकि इतना सामान पड़ा है ऊपर नीचे। ऊपर के तो दो रूम हो गए पर नीचे पूरे घर में दो तीन रूम में सब इधर उधर सामान पड़ा है और कुछ काम की वजह से सूझ नहीं रहा, इसलिए खुद का ख्याल रखना तो अभी दो चार दिन तक भूल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सज सवर के मेकअप करके काम तो नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि ये कलरिंग के काम और कौन से भी साफ सफाई के काम होते हैं तो सभी औरतों के लिए ये बहुत बड़े काम होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हाथ लगा के साफ करना पड़ता है। कोई भी चीज़ दिवाली दशहरे में कोई ऐसी नहीं रखते। मेरे साफ सफाई का एक क्लीनिंग का एक टिप्स है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी सामान रहता है मैं सज्जे वाला सामान अलग से धोती हूँ और अलग से बोरे में भर के सज्जे पर रख देती हूँ। इतना सारा सामान, ये बर्तन मैं तो पूरे के पूरे नहीं निकालती किचन में, क्योंकि जगह भी कम पड़ जाती है और जब हर महीने की मंथली वाली क्लीनिंग होती है उसमें भी हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। ये हमारे हस्बैंड अभी कलरिंग कर रहे हैं, किचन की डबल सेट लगा रहे हैं। अभी ये हमने पूरे बर्तन लाकर यहाँ पर रख दिए हैं, कल तक ये सूख जाएंगे। और थोड़ी देर आपके साथ बातें कर रही हूँ। अभी तो मैं नहा धो के अभी तैयार हो चुकी हूँ और तभी भी मेरा चेहरा बहुत थका थका दिख रहा है, बाल भी नहीं बनाए थे इसलिए मैं आज कैमरे के सामने आपको डायरेक्ट दिखी नहीं। तो अभी ऐसा लगा कि थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेती हूँ। अभी ये इतने सारे बर्तन मैं अलग से भर के रख दूँगी, क्योंकि ये जो बर्तन है डाइनिंग पर ये सब मिक्स हो गए ना, तो फिर अलग अलग से निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सज्जे के जो हम यूज़ नहीं करते वो बर्तन अलग होते हैं और नीचे के जो यूज़ वाले है वो अलग होते हैं। तो मैं अलग से ही ये घिस कर अलग से ही सामान बांध कर रखूँगी ताकि मिक्स ना हो, मिक्स हुए तो फिर अलग करने में तकलीफ हो जाएगी। अभी ये सब्जी देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये सेपू की सब्जी बोलते हैं इसको, हमारे इधर महाराष्ट्र में इसको सेपू की सब्जी बोलते हैं। ये सब्जी मैंने कल लेके के रखी थी, ये अच्छे से धो ली और अभी कट करके रख दी है। अब मैं आज इसकी सब्जी बनाऊँगी और जो ज्वार की रोटियाँ बनाऊँगी, ये बहुत टेस्टी होती है। काम हुए तो क्या हुआ फ्रेंड्स, खाने में तो अच्छा ही होना। इस सब्जी में बहुत सारा लोह होता है और ये बनाना भी बहुत इजी है, इसीलिए मैं आपको अभी ये मैं जैसे बनाती हूँ वैसे दिखा रही हूँ। अभी इसका पानी पूरा सूख चुका है, अभी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल चाहिए, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस हो चुका। और 10 हमने कम से कम 10 लाल मिर्च सूखी हुई ले ली है और ये पहले कट करके रखी थी। अब इसे ऑयल में अच्छे से भून लेते हैं, इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें जो भी हरी सब्जी हमने धोकर सुखाई है
थोड़ा सी सूखा ही नहीं है, थोड़ा सा पानी उसका निचोड़ कर रखा है। पानी नहीं चाहिए फ्रेंड्स इस सब्जी में, नहीं तो ये अच्छी नहीं लगती। अब ये पूरा पानी निकाल कर ये सब्जी यहाँ पर कढ़ाई में डाल रही हूँ। मेरा हाथ एक कैमरे का ऊपर आ रहा है इसलिए ऐसा बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा रखने के लिए आज ठीक ठाक जगह नहीं है, क्योंकि सब तरफ कलर के बॉक्स सामान पड़े हैं इसीलिए। पर आपके साथ कोई ना कोई रेसिपी तो शेयर ही करनी थी। आपको लगता था कि ये रोज़ रोज़ क्लीनिंग के बर्तन की ये ही वीडियो दिखा रहे हैं, इसीलिए अभी मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिए सब्जी, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल दूँगी। बस इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जी बनाने के लिए आधा चम्मच ऑयल, 10 लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, बस कुछ नहीं डालना पड़ता। और ये खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। आपके इधर मिलती होंगी तो आप ही इसे बना कर देख लीजिए, हमारी तरह एक बार तो अवश्य ट्राई करके देख लीजिए, ये बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ढककर 10 मिनट तक पकने दूंगी। ज़्यादा नहीं पकानी पड़ती और कम भी नहीं, उससे कम पकाए तो कच्ची रह जाती है और ज़्यादा पकाए तो उसका विटामिन कम हो जाता है। एक हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है ताकि अच्छे से इसका स्वाद आ जाए। इस तरह ये सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी इसे ढककर रख दूंगी और फिर खाना खाऊंगी। आज तो बहुत ही पैरों में दर्द कर रहा है काम करते करते, पर काम तो करने ही पड़ेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हमने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, हरी हरी, और ये ज्वार की रोटियाँ। अभी मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को और पति को बोला तो वो कैमरे में आने के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैं अकेली ही यहाँ पर बैठी हूँ। हस्बैंड तो आते हैं, बच्चा तो आता ही नहीं मेरा, उनको अच्छा नहीं लगता। पर हस्बैंड तो आते हैं, पर वो बोले अभी कलरिंग किया, कलरिंग के कपड़े हैं तो नहीं आते। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और हमको सहयोग करें। तो हम अभी खाते हैं खाना। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।